हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं दाल की कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, दिखने में जैसी है वैसी टेस्टी है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, चने की दाल है इसके अंदर। चलिए इसे हम बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है चने का दाल। चने का दाल को मैंने रात भर सोख करके रखा है। अगर आप सोख करना भूल जाते हैं तो गर्म पानी में 2 घंटे के लिए सोख कर सकते हैं। इसे धो लेंगे अच्छे से। धोने के बाद हमने सरसों का तेल लिया है कढ़ाई में, जिसको गर्म किया है। इसके अंदर डालेंगे हम जीरा, और ये सूखी लाल मिर्च है। ये 6 से 7 मैंने लाल मिर्च ली हैं। जिस हिसाब से अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, कम खाते हैं तो कम ले सकते हैं। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे चने की दाल। ये देखिए, चने की दाल, हम जितना भी चने का दाल है सारा डाल देंगे इसमें। ये देखिए, चने की दाल डालने के बाद इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम मीडियम पे है इस टाइम। ये देखिए, अच्छे से इसको मिला लिया है मैंने। अब ढक देंगे इसे। 2 मिनट के बाद मैं इसे दोबारा से चेक कर रही हूँ। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे। अब मैं चेक कर रही हूँ, ये हो चुका है। एक दाल को दबा के देखेंगे उंगलियों से, अगर ये दब जाती है तो इसका मतलब ये हो गया है। देखिए, मैं दोबारा से आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए, ये डन है। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। बैटर को ठंडा करके ही पीसना है, गर्म मत पीसिएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। गैस को बंद कर देंगे और बैटर ठंडा होने के बाद अब हम इसे पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, अगर एक साथ पीसते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हम इसको बारीक पीसना है, तो मिर्च के साथ ही हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, हम इसको, ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब थोड़ा और लेंगे, ऐसे करके हम सारा दाल पीस लेंगे। ये 3 से 4 बैच में पीस जाएगा। ये देखिए, ये भी पीस गया है। इस तरीके से मैंने जितने भी दाल है सबको पीस लिया है। आप ये फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बना सकते हैं। तो मैं इसका आधा जो है वो स्टोर कर लूँगी फ्रिज में, 1 हफ्ते के लिए आप इसे आराम से रख सकते हैं। तो आधा मैंने रख लिया है, और आधे में मैं नमक मिला रही हूँ। जितना आप बनाएंगे उतने में ही नमक मिलाइएगा। नमक मिला के ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है, तो अपने स्वाद अनुसार आप इसमें नमक मिला लेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है, और इसे मिला लूँगी अच्छे से। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, झटपट बन जाती है। सर्दियों में आप इसे बनाइएगा, चाय के साथ, सॉस के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसका आटा लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें मैं डालूंगी अजवाइन, आप इसे मैदे में भी बना सकते हैं। साथ ही साथ हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। 2 चम्मच कस्तूरी मेथी डाला है मैंने इसमें, बड़े चम्मच से। और अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें मोइनी के लिए रिफाइंड डाल रही हूँ। आप इसमें सरसों का तेल, देसी घी, किसी से भी मोइन दे सकते हैं। मैंने रिफाइंड डाला है। अब ये तीनों चीज़ इसमें मिला लेंगे। ये देखिए, ऐसे मुट्ठी करके देखेंगे, अगर मुट्ठी में ये आटा जो है ये आ जाता है, मुट्ठी बनने लगती है, तो मोइन ठीक है। अगर नहीं होता है तो और तेल इसमें डालेंगे। ये देखिए, हो रहा है, इसका मतलब ये डन है। इसे पहले अच्छे से मिला लेंगे हम, उसके बाद ही पानी डालेंगे। सारा मिलाने के बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, नॉर्मल वाटर है। थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका एक डो बना लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसको एक डो बनाना है, सॉफ्ट सा। ज़्यादा लूज आटा नहीं लगाएंगे हम, इसे थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे, क्योंकि कचौड़ी का आटा है तो थोड़ा सा सख्त ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के अच्छे से, ये देखिए, इसमें मुक्कियाँ देनी है। मुक्कियाँ जितना मारेंगे उतना ही अच्छा आटा आपका डो बनेगा। ये देखिए, आटा ये डन है। बस अब हम इसमें डालेंगे तेल। ये मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, रिफाइंड डाल के थोड़ा सा ऊपर से इसे लगा देंगे, और इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे।
अच्छे से रिफाइंड चारों तरफ इसे लगा लेंगे। अच्छा 5 मिनट के बाद अब इसकी एक लोई लेंगे, किसी भी साइज की आप बना सकते हैं, ज़्यादा बड़े अगर आप बनाते हैं तो वो भी बना सकते हैं, छोटे बनाने हैं छोटे। मैं मीडियम साइज की कचौड़ियाँ बना रही हूँ। तो लोई लेने के बाद हमने एक कटोरी शेप में इसको बना लिया है, और इसमें 1 चम्मच भर के जितना भी दाल आप इसमें भरना चाहें भर सकते हैं। 1 चम्मच डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से दबा दिया है उंगली से प्रेस करके, और इसको ऊपर से लॉक कर देंगे। लॉक होने के बाद इसको ओके करके दबा देंगे। ये देखिए पहले हाथों से दबाएंगे अच्छे से, उसके बाद इसको थोड़ा सा उंगली से प्रेस करके कचौड़ी की शेप में, ये देखिए हो गया है। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। थोड़ी सी लोई लेंगे, इसको पहले जैसे रोटी बनाते हैं उस तरीके से लोई को घुमा लेंगे, उसके बाद ये देखिए एक उंगली से प्रेस करके अंदर से, और इसकी एक आराम से कटोरी शेप में इसको बना लेंगे। अब इसमें मैं दाल भर देती हूँ। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं बच्चों को, या तो टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अच्छे से ये लॉक कर देंगे ऊपर से और इसे प्रेस कर देंगे। ये देखिए बहुत ही इजी है, ये आराम से बन जाती है। ये देखिए आराम से इसको कचौड़ी की शेप में थोड़ा सा हाथों से दबा देंगे। इसी तरीके से हम जितने भी हैं सारी बना लेंगे। ये देखिए बना लिया है मैंने। अब मैं एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करूंगी, उसके अंदर ये सारी जितनी भी कचौड़ी हैं ये डाल देंगे। इसे डीप फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करना है इसको, हाई फ्लेम पे करेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी ये, तो इसके लिए इसको मीडियम फ्लेम पे आराम से करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये देखिए क्या फूल गई है ये फूली फूली कचौड़ी आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। गाइस आप बना के देखिएगा, और बना के मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके की अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अब हम दूसरा बैच भी जो है तल लेंगे। इसको भी डाल दिया है मैंने, इस बैच को भी आराम से तल लेंगे। ये देखिए फूल गई हैं कितनी अच्छी। अब हम आराम से तेल को निकाल के अच्छे से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए निकल गई है सारी। आप इसे धनिया पत्ता की चटनी या सॉस, चाय किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी बन गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।